नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ककुन स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेहूराज आपके साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, उसी के बारे में आपको फुल डिटेल इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें। दोस्तों बात कीजिए राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कैसे निकाले अपने आप अपने मोबाइल में, आपको क्या करना है, SSO ID ऑन करना है, आपका SSO ID का नाम लिखना है, प्लस उसमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपका होम पेज, इसमें कैप्चा डाल के होम पेज आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। होम पेज ऐसे ओपन होते ही आपका इसमें लिखा हुआ है कि साइड में कोने में लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट स्टेटस लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आपको ओपन करना है। वहाँ पे जाके ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार आपका डेस्कटॉप साइज ओपन हो जाएगा। ऐसे डेस्कटॉप साइज ओपन होने के बाद आपको ऊपर ऊपर की तीर में लगा रहा हूँ कि वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। वहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड को क्लिक करोगे तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद कुछ इस प्रकार आपका ओपन हो जाएगा। नीचे जाना, नीचे जा इस नीचे जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा कि आपको लास्ट में दिखा होगा कि गेट एडमिट कार्ड। दोस्तों जो भी आपने वैकेंसी भरी है उसका सबका एडमिट कार्ड, जिन जिन वैकेंसी का एडमिट कार्ड आ चुका है वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है। तो आपका JVVNL का ये आपका JVVNL का जो वैकेंसी का आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। दोस्तों आपका यहाँ पर क्या करना है, गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड बात कीजिए, आप अपने मोबाइल में SSO ID से नहीं करना चाहते लॉगिन, तो आपको डायरेक्ट एक साइट देता हूँ, साइट से आप लॉगिन कर सकते हो। कैसे करना है आपको लॉगिन, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है। लिंक कुछ इस प्रकार दे रखी है कि आपको आपके डेस्कटॉप साइज में मेरा ऐसा कुछ इस प्रकार आपका ओपन हो जाएगा पेज। लिंक को ऑन करोगे तो कुछ इस प्रकार आपका पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने अपना फॉर्म फिल किया था वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो पासवर्ड है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। अब दोस्तों बात की जाए एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट कुछ इस प्रकार दे रखी है कि आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, 20 से लेकर 26 तक आपकी एग्जाम डेट आई है, इसी अनुसार आपका एग्जाम होगा। दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होने वाला है। आपको सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस में आपको आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना सिलेबस निकाल सकते हो। दोस्तों बात की जाए वैकेंसी के पदों की, वैकेंसी के पद आपके 1512 पदों पे ये वैकेंसी कराई जा रही है, ना कि 6000 पदों पे ये वैकेंसी कराई जा रही है। दोस्तों अपडेट डाला गया था कि 6000 पदों पे वैकेंसी कराई जाएगी, बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपका 1512 पदों पे ये वैकेंसी कराई जा रही है। और दोस्तों आज की कुछ इस प्रकार अपडेट थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम सा।